अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत व्यू था, सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की जो रेसिपीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि हम सिंपल रेसिपीज़ बताएं, वो रेसिपीज़ जो यूजुअली लोग बहुत इजीली बना लें, ऐसी रेसिपीज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली हम सब के पास कस्टर्ड तो होता ही है, कस्टर्ड हम सब ने खाया है, तो अलग अलग वेरिएशन हम ट्राई करेंगे कस्टर्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं। आपने खीर खाई होगी या खस्ते में खाया होगा, बहुत सारी चीज़ों में। तो आज एक मिठाई की तरह ट्राई करते हैं। तो मैंने ना कस्टर्ड को जैसे नॉर्मली घोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घोल लिया था, और दूध को बॉईल करने के लिए चीनी डाल के मैंने चढ़ा दिया। टेस्ट चीनी का अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, कितना चाहिए, ज़्यादा कम जो भी, ठीक है। और मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को लिया है, उसके जो कॉर्नर होते हैं ना ब्राउन वाले, उसे काट लिया है, ठीक है। ब्राउन वाले कॉर्नर को आप अच्छे से काट लो। काटने के बाद आपके पास मलाइयाँ तो ज़रूर होगी, मलाई को ना आप चाहो तो फेंट सकते हो, फेंटना नहीं तो आप ऐसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। उसके बाद मलाइयों को एक स्लाइस के ऊपर आप लगा लो, जैसे आप बटर लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हों तो वो भी उस मलाई के ऊपर लगा के दूसरे स्लाइस को उससे आप पैक कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे स्लाइस पे भी आप मलाइयाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। लगाने के बाद उसे साइड करके रख दो। हमारा दूध भी तब तक बॉइल्ड हो चुका है, तो हमने कस्टर्ड जैसे 2 मिनट में बनाते ना, बिल्कुल वैसे ही। और उस कस्टर्ड में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स आप डाल देना, जो भी आपके पसंद के हों, वो जो भी आप खाते हो नॉर्मली, वो फ्रूट्स हम नहीं डाल रहे हैं इसमें, सिर्फ हम डाल रहे हैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 2 मिनट 3 मिनट इसे अच्छे से पका लेना। जब ये थिक हो जाए तो इसे हटा देना। जब तक ये ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम कुछ और रेसिपीज़ ट्राई कर लेते हैं, कुछ और रेसिपीज़ बना लेते हैं। तो मेरे पास छोले थे थोड़े बॉईल किए हुए, तो मैंने सोचा छोले कचौड़े बना लो कुछ आवाज़ें कभी कभी नाम भी याद नहीं होते हैं, तो मैं नॉर्मली सादी सी पूरी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म किया, उसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एक ही प्याज ली थी, एक ही टमाटर लिया था, ये मेरे घर का फ्रेश टमाटर है फ्रेंड्स, जिसकी पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं वो। अब बस इसमें कुछ सूखे मसाले, नॉर्मली हल्दी मिर्ची, गरम मसाला हो तो गरम मसाला आप डाल दो, बहुत लाइट सा। जिंजर गार्लिक नहीं डालूंगी, जिंजर गार्लिक डालने से ना फ्रेंड्स वो बहुत मसाले हो जाते हैं। मुझे मसाला नहीं चाहिए था, एकदम प्लेन सादा सा चाहिए था, ताकि हम इसे बिना किसी के भी खा सकें वैसा, ठीक है। टमाटर गलने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तब तक हम अपना डो लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा मैदा और आधा आटा लिया है। आप चाहो तो पूरा मैदा ले सकते हो, चाहो तो पूरा आटा ले सकते हो। थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में खाना है तो आटा ले लो, नहीं तो मैदा। टेस्ट चाहिए तो मैदा ले लो, नहीं तो हेल्दी वर्जन में आटा तो है ही है, ठीक है। उसके बस कुछ चीज़ें हमने इसमें डालनी है। आप चाहो तो नॉर्मली सिर्फ नमक डाल के आप पूरियाँ बनाते हो ना, सिंपली पूरियाँ भी बना सकते हैं। वरना जैसे हम भटोरे का आटा लगाते हैं, 1 चम्मच सूजी, 2 चम्मच तेल और 1-2 चम्मच दही और 1/2 चम्मच से कम शुगर डाल के उसे गूंद लो, चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो चाहो तो सिर्फ नमक डाल के आप गूंद सकते हो, ठीक है। तो हमारा हमने खोल के जब चेक किया तो ये भी गल चुका था, तो हमने इसमें अपने बॉईल किए हुए छोले डाल दिए। हमने स्टीम किया हुआ आलू डाल दिया, क्योंकि मैं दूसरी साइड मटर बॉईल कर रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने उसी पर अपना स्टीमर रख दिया, ताकि हमारे साथ साथ आलू भी गल जाएंगे, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए मैंने आप नॉर्मली भी डाल दो, धीमी आंच में छोड़ दो, गल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस धनिया और मैगी मसाला डाल के एकदम रेडी हो चुका है खाने के लिए फ्रेंड्स। लाइट वेट भी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा आपको खाते हुए। मेरी एक कज़न है जो मुझे अक्सर बोलती है कि तुम अपनी बहन का जिक्र करती हो हर वीडियो में, तो मैंने सोचा आज उसका भी जिक्र कर देती हूँ, उसकी भी शादी होने वाली है, और अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, खुश रहे बस, और क्या। तो बस फ्रेंड्स, उसकी भी शादी है, उसकी भी लाइव फुटेज आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लाइव जाके आपको चीज़ें दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ उसकी भी खुशी। तो बस सब लोग माशाल्लाह बोलना ज़रूर, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे क्या किया ना, जो हमारे पीसेस थे ना ब्रेड के, उसे मैंने एक में से 4 पीसेस कर दिए, उसे अच्छे से सजा दिया। आप उस वक्त कस्टर्ड डालना जिस वक्त आपको सर्व करना हो, वरना ये बहुत मैसी हो जाएगा, ठीक है। तो बस कस्टर्ड ऊपर से डाल के कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना, लुक बहुत अच्छा रहा था फ्रेंड्स। जब मैंने इसे खाया था रोज़ा खुलने के बाद, एकदम मुंह में घुल गया था, मुझे लगा नहीं था इतना टेस्टी होगा ये,
तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब सिंपली हमने पूड़ियाँ बना लेनी है, ठीक है? तो आप देखो पूड़ियाँ कैसे बनी हुई, कैसे फ्राई हुई है, मिलती हूँ आगे। सो फ्रेंड्स, पूड़ियाँ भी हमारी फूल चुकी हैं और हमारी सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है। एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये ना बने तो हमारे यहाँ पूरी, हमारे यहाँ अफ्तारी पूरी ना हो, दही बड़े तो नॉर्मली बन रही हैं, छोले बन चुके हैं, हमारी नॉर्मल सी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, प्लेन चना मैंने बनाया हुआ है, पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे प्लेन चने मटर चढ़ा हुआ है। आज मैंने टमाटर दाल बनाई थी, तड़का डाल के बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल सी दाल बनाई थी मैंने, क्योंकि इतना हैवी हैवी खा के बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो सब कुछ एकदम रेडी हो चुका था, लास्ट में फरमाइश आई कि लस्सी खानी है, तो मैं लस्सी बना रही थी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट मंथ ही बहुत सारी शादियां हैं और मैं ट्राई करूँगी कि वेडिंग ब्लॉग लेकर आऊँ, जिसमें कुछ लोग होंगे जो मुसलमान वेडिंग्स में जाते होंगे या कुछ लोग नहीं गए होंगे, तो उन लोग के लिए लाइव जाके चीज़ें दिखाऊँगी अच्छे से, बायोडेटा सब कुछ अच्छे से समझाऊँगी, दिखाऊँगी, ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करने की। और कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी। और फ्रेंड्स, यूट्यूब एक ऐसा भी होता है ना कि आप अपनी मेमोरीज़ स्टोर करके रख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, कि आपकी मेमोरीज़ इधर उधर चली जाएंगी या प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेव होकर रहेगी वो, बस आपको अच्छे से शूट करना है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं लाइव जाके चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि मैं लाइव कभी नहीं गई हूँ और फर्स्ट एक्सपीरियंस करूँगी। और बस हमारी लस्सी भी एकदम रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और कैमरा गिर गया तो मेरे साथ मोए मोए भी हो गया एकदम। तो बस हमारी लस्सी भी रेडी हो चुकी है, हमारा दस्तरखान भी एकदम रेडी है, बस हम रोज़ा खोलने की देर है, रोज़ा खुलेगा 10 मिनट में सब साफ़ हो जाएगा, तो कोई भी मसला नहीं है फ्रेंड्स। तो बस कुछ और रेसिपीज अगर आपके पास हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मैंने अपने घर की एक बहुत स्पेशल फ़ोटो लगाई हुई है, उसे ज़रूर देख के जाना और कमेंट करना, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट डे क्या बनाऊँ, एवरी डे वीडियो डालनी है, एवरी डे काम करनी है, जैसे 9 to 5 लोग जॉब करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और बस अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर रही हूँ। बस आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।